नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निहार पारेख और मेरे साथ है एक स्पेशल गेस्ट आज डॉक्टर प्रीति। डॉक्टर प्रीति एक लैक्टेशन स्पेशलिस्ट है, एक ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशलिस्ट है। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है स्तनपान कराना, ब्रेस्ट फीडिंग कराना। कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कौन सा पोजीशन लेना है, इसमें दिक्कतें क्या आती है और दिक्कतों को जानना पहचानना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है जानना कि अगर ये सब प्रॉब्लम आते हैं तो जाना किसके पास है। पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट के बीच में ये माँ अटक जाती है, कंफ्यूज हो जाती है कि ये स्तनपान के इशू किससे बात करने हैं। इसीलिए हम लेके आए हैं डॉक्टर प्रीति को, जो हमें इस बारे में सही प्रकार से मार्गदर्शन देगी और मदद करेगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति गांगन। मैं एक लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ और मैं पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। जैसे डॉक्टर निहार ने आपको समझाया कि नई माओं को स्तनपान के बारे में कई सारे समस्याएं आ सकती है। ये समस्याएं उन्हें मालूम नहीं होता कि किसके साथ डिस्कस करना है, क्या मुझे अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है या मुझे अपने पीडियाट्रिशियन या बच्चों के डॉक्टर से बात करनी है। कई बार वो दोनों भी आपको सही तरीके से शायद मार्गदर्शन नहीं कर पाते। उस समय वो अपने जो प्रॉब्लम्स है खुद ही अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि हम गलत मार्ग पे चले जाते हैं और स्तनपान का ये पूरा प्रोसेस टोटली खराब हो जाता है। इसीलिए मैं इस क्षेत्र में आपको इस तरीके के प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी, इन्हें सुलझाना कैसे है इसमें आपकी मदद करूंगी। अब हम बात करेंगे स्तनपान करने के दरमियान जो खतरे की निशानियां हैं वो कौन सी है, किस चीज़ों में ध्यान रखना है और अगर स्तनपान सही प्रकार से शुरू न किया उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती। स्तनपान सही तरीके से कैसे किया जाता है, यह जानकारी हर माँ को हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें कुछ गलती हो जाती है तो माँ को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं अगर माँ स्तनपान सही तरीके से ना कर पाए? पहली दिक्कत तो ये है कि माँ पेन एक्सपीरियंस करती है या उसे दर्द का एहसास होता है जब वो बच्चे को दूध पिलाती है। इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में सोर निप्पल्स कहते हैं। अभी ये बात जानना ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम में माँ को क्या करना है। पहला और सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मैं कई सारी माताओं में देखती हूँ वो है पेन वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, माने स्तन पर जो मम्मी को पेन होता है, दर्द होता है दूध पिलाते समय, इसे हम कॉमन भाषा में सोर निप्पल्स कहते हैं। जब आपके निप्पल्स पे कट्स हो जाते हैं, वह यहाँ पे घाव हो जाता है, खून आता है, आपको दर्द होता है पिलाते वक्त, तब आप बच्चे को स्तनपान करने में मज़ा नहीं लेते। तो हम इस सिचुएशन में देखा जाता है कि क्रीम्स ऑइंटमेंट्स लगाने की सलाह दी जाती है। कई बार निप्पल शील्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें ये समझना है कि आखिर में ये प्रॉब्लम माँ को हुई क्यों है, माँ को निप्पल्स पे पेन क्यों हो रहा है। जैसे हमने जाना है, जब भी बेबी ब्रेस्ट पे लैच करता है तो उसे सिर्फ निप्पल नहीं लेकिन निप्पल के आजू बाजू का काला भाग जिसे हम एरियोला कहते हैं उसे भी अपने मुंह में खींच के लेना है। अगर बच्चा ये न कर पाए और सिर्फ निप्पल पे ही सकिंग करता रहे तो माँ को ये दर्द होना शुरू हो जाता है और ये सोर निप्पल्स बढ़ जाते हैं। इसलिए क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स इस्तेमाल करके आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ला पाएंगे। आपको इसके लिए आपका लैचिंग इम्प्रूव करना होगा। ये अगर आप खुद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो ज़्यादा समय मत गवाइए, अपने डॉक्टर की इमीडिएट सलाह लेके लैचिंग को सुधार दीजिए। जैसे डॉक्टर प्रीति ने हमें बताया कि स्तनपान करने के समय अगर कोई भी प्रकार का दर्द 30 सेकेंड से ज़्यादा रहा तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये क्रैक निपल्स और सोर निपल्स की पहली निशानी हो सकती है। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए हमारी पीडियाट्रिक चैनल चाइल्ड एंड यू से जुड़े रहिए। लिव नाउ लिव हेल्दी, सिर्फ सुश्रुता के साथ। आपके बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई
हर जानकारी के लिए हमारे ये ईमेल एड्रेस पे लिखिए या ये नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए।